एंड सेट टॉपिक डिड वी कवर इन आवर लेक्चर नंबर फोर्टीन जॉब एनालिसिस को डिस्कस किया था स्टार्टड विद दैट उसमें हमने स्टार्ट किया विद समेसिक डेफिनेशंस जॉब्स क्या होती हैं कैरियर क्या है पोजिशन क्या है सो ऑन एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड विद दिस फिग पिक्चर है बेसिक रोल वेरी इंपॉर्टेंट रोल ये बुनियाद बनती है ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर इन्वाल्व इन एच आर फंक्शंस वो क्या थी जस्ट क्विकली रिव्यू इट स्टार्टिंग विद इवन जॉब का जो आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वहाँ से लेके रिक्रूटमेंट इवन सिलेक्शन, फॉर एच आर डिवेलपमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल आनल यू हैव द बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन हाउ कैन यू मेक बेस्ट मैच इन द सेलेक्शन प्रोसेस एंड हाउ यू आर गोइंग टू मेक श्योर कि यू आर अवेलुएटिंग द जॉब बेस्ड ऑन देअर रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ जॉब डिस्क्रिप्शन और वट एवर सिमिलरली दिस एच आर इज ऑल्सो इन एच आर दिस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और जॉब एनालिसिस में जो है ये आपको हेल्प करती है टू डिसाइड द कंपनसेशन द वर्थ ऑफ द जॉब जब हमने आउटकम पढ़े थे उसमें एक लास्ट था जॉब अवेल्युएशन

वो प्रोटेक्टेड ग्लासेस आपको जो वहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं वो यूज़ करते हैं सिमिलरली यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इन दोज बिग सेटअप्स वेयर यू हैव नॉइस देयर तो वहाँ पे जब आप अंदर जाते हैं तो आपको स्पेशल वो देते हैं कि आप कानों में वो लगा लें ब्लॉक से ताकि आपको वो साउंड से आपकी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो डिस्टर्ब ना हो सिमिलरली आपको वो हेलमेट पहनाए जाते हैं वो भी पर्टिकुलर जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी के लिहाज से दैट इज अ एसेंशियल पार्ट एंड टाइम इवन यू हैव स्पेशलाइज ड्रेस होल ड्रेस फॉर यू बिकॉज दैट इज़ आल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब तो क्या हुआ कि इवन वो जो एक बेसिक एक्टिविटी है या फंक्शन है हेल्थ एंड सेफ्टी की जो कंसलेशन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको एक्ट करने के लिए भी उसका डिसाइड करने के लिए भी यू नीड टू हैव सम बेसिस सम रेफरेंस पॉइंट एंड दैट इज़ यूर जॉब एनालिसिस सिमिलरली विद एम्प्लॉयर एंड लेबर रिलेशनशिप कौन किसको को रिस्पॉन्सिबल है कौन किसको को जवाब दे है ये भी उसी बेस पे आपने डिसाइड करना है एंड सो ऑन सो दैट दैट वॉज बेसिकली द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब एनालिसिस इन द होल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसके अलावा क्या हमने देखा फिर उसका स्ट्रेटेजिक रोल देखा हमने कि जॉब एनालिसिस ऑल्सो प्ले वाइटर रोल स्ट्रेटेजिक रोल लाइक इन दिसशन के चेंज इन दर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल किसी वजह से एनवामेंट चेंज हो रही है तो आर्गेनाइजेशन ने अपने स्ट्रेटेजिक गोल चेंज कर लिए तो नेचुरली नाउ द चेंज इन द वे दर्गनाइशन ऑपरेट्स इट इज़ आलसो ऑबियस इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू मूव अदर वे नई आपने उसमें इनोवेशन में जाना है नई टेक्निक में जाना है नया काम करना है या नए तरीके से काम करना है जैसे लाइक like, आज कल एक बर्ज वर्ड है पीपल्स ए पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशन नो अर्लीयर आई ऑलरेडी गिव यू दिस एग्जाम्पल कि पहले ये होता था कि लोग मैनुअली काम करते थे फाइलें होती थी ढेर सारी जो टू दिस इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी आई टी एंड कंप्यूटर्स के आने से वो चीज़ें कम होती गई नाउ मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन थ्रू कंप्यूटर तो आपके पास वो पेपर वर्क कम हो गया तो ऑपरेशन जो ऑपरेट ऑपरेशन से वो चेंज होते गए ना तो नाउ अकॉर्डिंगली यू नीड डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स इन योर ह्यूमन रिसोर्स आर पीपल सो व्हेन यू आइडेंटिफाई दैट यू नीड डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल नाउ फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन सो ऑफ कोर्स नाउ दिस जॉब एनालिसिस पार्ट इज प्लेइंग इट्स रोल नाउ यू हैव स्पेसिफिक एक्सेप्ट न्यू जॉब डिस्क्रिप्शन एंड ऑफकोर्स जॉब स्पेसिफिकेशन तो इससे एक ये चीज भी जाहिर हुई कि हाउ इम्पॉर्टेंट दिस जॉब एनालिसिस एंड इट इज ऑलवेज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस और फिर एंड पे हमने देखा कि वॉट आर द आउटकम्स ऑफ जॉब एनालिसिस तो वो आउटकम्स क्या थे जॉब डिस्क्रिप्शन यस टुडे विल आल्सो बी डिस्कसिंग दिस थिंग्स लास्ट लेक्चर मैंने आपसे कहा था कि इसको थोड़ा सा डिटेल में हम अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे सो जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद इसी के अंदर जॉब स्पेसिफिकेशन भी आ जाती एंड दैट इज ऑल्सो द आउटकम ऑफ जॉब एनालिसिस एंड देन ऑफकोर्स हाउ टू फिगर आउट दर्थ ऑफ डैट पर्टिकुलर जॉब वी कॉल इट जॉब वैल्यूएशन तो ये सारी चीज़ें हमने अपने लेक्चर नंबर फोर्टीन के अंदर कवर की सो आई बिलीव के थिंग्स आर नाउ मोर क्लियर टू यू इसीलिए मैं बार बार इनको रिपीट करता हूँ इसीलिए मैं अगले लेक्चर में आके पिछले को लिंक करता हूँ ताकि यू शुड बी आल्सो फुली प्रेजेंट हेयर एंड लिंक वट एवर वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर एंड वट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टूडेज लेक्चर सो दैट इथ द थिंग शुड बी क्लियर एंड यू शुड अंडरस्टैंड इट बेटर वो जो कुछ चीज़ बुनियाद रखते हैं फिर उसके ऊपर एक सीक्वेंस चीज़ें चलती हैं तो इसीलिए वो चीज़ अच्छी बनती है तो उसी हिसाब से ये पार्ट भी ज़रूरी है आपके लिए समझना और उसके साथ मेरे चलना और समझना एंड दैट विल मेक द डिफरेंस सो लेट्स मूव फॉर टुडेज टॉपिक्स तो so, आज क्या हमने पढ़ना है उसी की कंटिन्यूटी है वही चीज़ें जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी थी थोड़ी सी उसका कुछ पार्ट रह गया उसको हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे सो सोल काक मोर अबाउट जॉब अनालिस एंड देन ट्राई फिगर आउट डिफरेंट टेक्निक्स अक्की जॉब एनालिसिस टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं और फिर जॉब्स डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन इनकी आपस में क्या लिंकेज है विल ट्राई टू कवर दोज थिंग्स Again coming back to job analysis. So, what is the goal of human resource management or human resource department or a manager of human resource? Uska goal. Ye bhi hai, very important. To create the match of what? Person and job itself. That is the I think I should say the main goal of HR. Match create karna. हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ये भी होता है कि वो फोकस ऑन पर्सनैलिटीज़ नॉट द इंस्टिट्यूशन हमने देखना होता है कि इस पर्सन को इस फिट करना है फिट किसमें में के अंदर नो वी हैव टू सी कि उस आर्गेनाइजेशन के अंदर उस डिपार्टमेंट के अंदर उस ऑफिस के अंदर कुछ जॉब्स हैं कुछ एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ के लिए फुलफिल करने के लिए करने के लिए उनको या उस वर्क के लिए वो नीड Particular person who must have such and such abilities, skill, knowledge, and the job of the human resource department is to create the match. If you have a proper match, the thing will start working. So, this is the main goal. Look at this diagram. You have a person, you have a particular job, now you have to create a match so that you should give a proper performance, you should get a proper delivery. Not only this, but of course.

एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आगे जब किसी स्टेज पर हम मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे तो अब वहाँ भी आपको एक मेरे साथ शेयर करूँगा डिस्कस करूँगा कि किसी भी परफॉर्मेंस के लिए दे कॉलेज परफॉर्मेंस इज़ द फंक्शन ऑफ नॉलेज स्किल्स मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी अमून देखा गया है कि लोगों के पास नॉलेज भी होती है स्किल भी होती है उन्होंने वो कोर्सेज़ भी किए होते हैं सीखा भी होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी उनका होता है एक्सपर्टीज भी डिवेल्प हो चुकी होती है

उसके साथ क्या इंसेंटिव अटैच है दैट यू हैव टू डिसाइड यू हैव टू सी और जब दोनों का मैच क्रिएट करेंगे तो नेचुरली लॉजिकली वॉट इज गोइंग टू हैपन यू आर गोइंग टू गेट दी जॉब आउटकम्स एंड वॉट विल बी दॉब आउटकम्स द थिंग्स द जो आपने उससे अचीव करना है वो तो एक आपको मिले ही मिलेगा उस मिलने के साथ क्या होगा कि परफॉर्मेंस मिलेगी यस yes, डिलीवरी होगी यू विल गेट वॉट यू आर रिक्वायर टू डू इट फ्रॉम अदर पीपल और उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेटिसफैक्शन सेटिसफैक्शन अगेन अ फॉर्म योर सेटिसफैक्शन एज अ मैनेजर अदर पर्सन सेटिसफैक्शन एज ए वर्कर आर एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन सेटिसफैक्शन बिकॉज दे आर डिलीवरिंग दे आर रिस्पॉन्सिव दे आर एफिशियंट दे आर इफेक्टिव एंड सोसाइटी सेटिसफैक्शन ऑफ द ड्यू टू प्रॉस्पेरिटी एंड दैट इज वट इज एंड हेयर द जॉब एनालिसिस प्लेइंग वाइट रोल सो हाउ जॉब एनालिसिस इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट हेयर बिकॉज वी आर थिंकिंग

अगर आपने एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एज ए मैनेजर इफ यू हैव टू क्रिएट ए मैच और फिट तो देन यू नीड इंफॉर्मेशन अबाउट वट द पर्सन ऑफकोर्स फर्स्ट फॉर जॉब एंड देन बेस्ड ऑन दोज इंफॉर्मेशन यू विल डिटर्मिन वट पर्सन यू विल बी रिक्वायरिंग हु परफॉर्म दैट पर्टिकुलर जॉब तो उसके लिए नेचुरली

अचीविंग द गोल ऑफ द डिपार्टमेंट और लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी वाट आर डिफरेंट स्टेप्स इन जॉब अनालिसिस मैंने कुछ एक डिफरेंट स्टाइल से आई थिंक लेक्चर नंबर फोर्टीन में भी डिस्कस किए हैं और जितनी अब मुख्तलिफ टेक्स के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से यही स्टेप लिखे होते हैं वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है बट बेसिक कॉन्सेप्ट इज द सेम थिंग लेट्स गो And see those five or six points. Number one, you have to start with the planning. Anything, anything you have to do, you have to plan for first. So what, can, what kind of planning you are supposed to do here? Planning the job analysis. Number one point. Number one step in the job analysis. Here you have to identify the objectives. Why you want to do job analysis? Okay what tax and you have to get the commitment from the top. because ultimately they are the people who will be deciding okay. what to do and when to do. so involvement of the top management, top commitment is that is also very essential when you are planning. so from the start you should be clear what you are supposed to do. and if you are doing something you have the backing. From the top management, so that you should be able to get some results out of it. Second point, then you have to prepare for the job analysis, and how you do that, you have to identify what kind of job is it, क्या methodology is it? और अगर एक्जिस्टेंस जॉब है आपके पास तो उसको रिव्यू कर लें रिव्यू एक्सिस्टेंट जॉब एक्जिस्टेंस जॉब डॉक्यूमेंटेशन वट एवर यू हैव इन योर डिपार्टमेंट हर कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको पहले रिव्यू कर लें और देन उस प्रोसेस को डिस्कस कर लें एम्प्लाइज के साथ मैनेजर के साथ सो दैट नाउ यू शुड बी क्लियर कि आपने किस लाइन पे कैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी है उनको कैसे डॉक्यूमेंट करना है सो दैट इज द प्रिपरेशन पार्ट नेक्स्ट लॉजिकल पॉइंट शुड बी यू एक्चुअली डू इट कंडक्टिंग द जॉब एनालिसिस इसमें क्या करना है आपने यू हैव टू गेट द डाटा वॉट इज डाटा है डाटा इज द इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन आपने गैदर करनी है और फिर उनको रिव्यू करके कंपाइल करना है किसी डॉक्यूमेंट की शक्ल में So that is doing it. Yes? Based on that, now you will do the next important part that is the developing the job description and specification. Because that will be the that will be a kind of written document for you as a reference point for all future HR activities. ज बेस ऑन दै दो एंड जॉब स्पेसिफिकेशन यू आर गोइंग टू कंपेयर ऑल डिफरेंट एक्टिविटीज एंड सी वेयर समथिंग इज मिसिंग जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन को मैंने डिफाइन तो किया था लास्ट लेक्चर में क्या चीज है ये आगे चल के भी अभी इसको डिटेल में देखते हैं सो आफ्टर दैट

उसके अंदर ये ये एबिलिटीज ये स्किल्स ये नॉलेज ये टेक्निकल ओरटेशन उसकी होनी चाहिए और इस स्पेसिफिक एन्वायरमेंट के अंदर इन मशीन इक्विपमेंट के साथ ये सारा इचार activity, ये सारा एक्टिविटी या टास्क या ये जॉब परफॉर्म हो सकेगी यू हैव टू ड्राफ्ट दिस फर्स्ट देन यू हैव टू रिव्यू दैट ड्राफ्ट विद द इम्प्लॉयज एंड मैनेजर ऑफकोर्स दे विल बी द पीपल हु विल बी यूजिंग इट यू डोंट दीपल एनी बाइस ओपिनियन देयर सो यू वांट टू हैव द मोर पार्टिसिपेटिव अप्रोच So, that before finalizing, everybody should be clear the people who will be performing it, the people who will be managing it, they should also be involved to finalize the, the document which is job description and specification. Then you will get those few feedbacks or you will identify the recommendation from people. Like manager, implies some experts, and you will incorporate those recommendations and finalize the description part and then make the recommendation. Okay, yes, I believe, based on my study, based on my this, all those exercise, this is the way the job should be done. Or skill, ye requirement hongi, qualification ka. Jo person hai wo iske liye. बेस्ट मैच क्रिएट करेगा नेक्स्ट स्टेप इन जॉब एनालिसिस शुड बी यू हैव टू मेंटेन एंड अपग्रेड जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन बिकॉज यू डोंट यू कैन फिक्स इट राइट दैट्स इट नाउ आगे इसी को बाइबल के तौर पे, इसी को आप बेसिक अपना रूल बना के चलते यू हैव टू बी प्रोएक्टिव ऑफ एंड ऑन सामने याद होगा लेक्चर 14 में डिस्कस किया था कि कब करते हैं आप जॉब एनालिसिस एग्जिस्टेंस जॉब पे भी कर सकते हैं कोई नई जॉब क्रिएट कर सकते हैं कोई चेंज आई तो उसी हवाले से यू हैव टू मेंटेन एंड अपग्रेड अपडेट जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन हाउ एंड व्हेन इफ देर इज समर्गे सम काइंड ऑफ चेंज इज इन Technology or the way people are working, you have to be reactive, you have to act as a proactive, you should before time analyze it and see what kind of changes are required. And for that, you have to periodically review all jobs so that you should be able to provide the best information. And based on those information, based on those documentation, you should create the best match so that organization should be able to achieve their goal in an efficient and effective way. Now let's see what methods do we use for job analysis. information Can we get some ready-made solution from the outside? बाजार से मिलती हैं क्या कोई डॉक्यूमेंट है कहीं पे सो ऑर्गेनाइजेशन में यूज डिफरेंट मैथडॉलॉजीज टेक्निक्स डिफरेंट अप्रोचेस फॉर जॉब एनालिसिस उसी को देखते हैं लेट्स मूव वट आर द जॉब एनालिसिस मैथड एंड गेन रिमेंबर वे टाकिंग अबाउट द कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन वो जो कह रहे हैं डाटा आपने कलेक्ट करना है जॉब एनालिसिस के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है आपने बड़ी दफ़ा ये सुने होंगे क्वेश्चन ईयर्स ऑब्जर्वेशन आई आई कैन गो एंड आई विल डिस्कस वन बाई वन अगेन क्वेश्चन ईयर क्या होते हैं आप सवाल एक आजकल आपने देखा होगा मार्केटिंग के लोग उमूमन सर्वे कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन के तौर पे सवाल नामे के तौर पे भेजे जाते हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली जाती है ऑब्जर्वेशन आप दूसरे को काम करते हुए देख के ऑब्जर्व भी करते हैं एंड आई विल डिस्कस वन बाय वन Their pros and cons. So that thing should be clear in your mind. You can go for interviews one-to-one. -one. Any person who is doing the job analysis part, he or she can go and individually see the people, make the appointment, sit together, interview them, collect the information, and based on those information, then they will make some recommendations. ऑर्गेनाइज कैसी कहीं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जहाँ पे वो हर जो तो एक्टिविटी होती तो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है जिसको डायरी भी कहते हैं या लॉग सिस्टम भी कहते हैं कि जो एक्टिविटी भी ही आर शी इज परफॉर्मिंग दे आल्सो रिकॉर्ड कि मैंने अब ये किया किसी specific, अच्छे इंस्ट्रूमेंट पर आप काम कर रहे होते हैं तो आप पॉइंट स्टेप बाई स्टेप चेकलिस्ट के तौर पर काम करते हो कि डू फर्स्ट दिस ये टेक आई हैव डन दिस जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दी थी कि एक जहाज उड़ाते हैं जो पायलट तो उनके पास एक चेक लिस्ट भी पड़ी होती है कि ओके दे आर सपोज टू चेक ऑल दोज थिंग्स so that is a diary system or logging system or recording system or even sometime you go for the combination of these methods not a single you are not using a single method but use the combination of those methods so let us see one by one okay, what are those methods interview see sequence any of different approaches are interview me kayuta can you go and ask the questions to what kind of what is the job being performed वट एग्जैक्टली डू यू डू वट आर द योर मेजर ड्यूटीज़ आप वन टू वन बैठ के इंटरव्यू करते हैं जिससे आप सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे अब इसका फ़ायदा क्या है यू हैव द मोर कंट्रोल लेकिन नुकसान क्या है एक्सपेंसिव होगा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है एंड अगेन सम बाइसनेस माइथ भी देर ये सारे मैथड लोग यूज़ करते हैं ऑफकोर्स ईच मैथड कुछ ना हर एक में उसने कुछ कुछ फ़ायदा है कुछ ना नुकसान है बट दिस इज़ द ट्रेड ऑफ यू हैव टू डू आपके ऑब्जेक्टिवस क्या है क्या चीज़ है उसके मुताबिक आप कौन सा मैथड एडॉप्ट करते हैं दैट डिपेंड ऑन ऑर्गनाइेशन टू ऑर्गेशन पर्सन टू पर्सन हु इज डूइंग द जॉब एनालिसिस एंड द रिक्वायरमेंट्स क्वेश्चन वट इज क्वेश्चन एक सवालनामा सा बना लिया जाता है क्वेश्चन इयर बना लिया जाता है और उससे फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं और दे आंसर दोज क्वेश्चन नॉट एसेंसली यू शुड गो योर सेल्फ और इवन यू कैन गो योर सेल्फ एंड जस्ट क्विकली

हाउ यू वॉन्ट टू गो हाउ यू विल कंपेयर इट जस्ट क्विकली आई विल एक्सप्लेन वट इज दिस ओपन एंड क्वेश्चन आर क्लोज एंड क्वेश्चन सो दैट थिंक शुड बी क्लियर अदरवाइज दिस इज सेपरेट सब्जेक्ट लेकिन क्लोज एंड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें जो लोग आंसर देने वाले हैं जो क्वेश्चन फिल करने वाला उसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होती वो येस अ करता है मैं आपसे पूछूँ कि आपने कल दोपहर का खाना खाया था आपका आपका आंसर क्या होगा यस आर नो तो दैट इज ए क्लोज एंड क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कल आपने दोपहर को क्या खाना खाया था तो दैट इज एन ओपन एंड क्वेश्चन यू कैन आंसर एनी दाल चावल खाए थे चिकन खाया था बिरयानी खाई थी वॉट एवर तो फिर अगेन दिस इज ए वेरी टेक्निकल थिंग कि हाउ यू विल डिजाइन द क्वेश्चन क्वेश्चन के लिए भी मुझके फिर मुख्तलिफ तरीके हैं कंडक्ट करने के यू कैन सेंड थ्रू मेल ऑफकोर्स इट इज अ चीप मैथड बट अगेन इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड पीपल माइट नॉट रिस्पॉन्ड यू दैट इज अनदर कंसर्न तो क्वेश्चन में भी एक तरीका है कि क्वेश्चन के जरिए आप लोग डाटा लेते हो इंफॉर्मेशन लेते हो और देन यू कंपाइल दोज इंफॉर्मेशन एंड मेक द सिमिलरली ऑफ इंटरव्यूइंग, ऑफ ऑफकोर्स यू माइट सर्टन क्वेश्चन बट मेनली द जॉब एनालिस्ट या वो जो जॉब एनालिसिस कर रहा है वो जाके बैठ के देखता है कि वो जो परफॉर्म कर रहा है वो अपनी एक्टिविटीज कैसे कर रहा है एंड मेनली फिजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, किसी मशीन पर कोई काम कर रहा है सो ऑब्जर्वेशन इज अनदर वे अदर अनदर मेथड ऑफ डूइंग द जॉब एनालिसिस और कलेक्टिंग द डाटा आर इंफॉर्मेशन फॉर योर जॉब एनालिसिस। सिमिलरली एज ए सेड डायरी मेथड भी होता है लॉग्स होते हैं एवरी एक्टिविटी द एम्प्लाइज ंगेज इन वट हीटिविटी अलॉन्ग विद टाइम इतने बजे मैंने यह काम शुरू किया इतने बजे खत्म किया इतने बजे काम शुरू किया इतने बजे किया।, किया तो इससे दिस इज वेरी गुड रिकॉर्ड बेसिकली इससे आपको ना सिर्फ ये अंदाजा हो जाता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही है बल्कि उसके साथ ये भी मालूम हो जाता है कि हर एक्टिविटी पर कितना टाइम सर्व हो रहा है अगेन Here, you might have certain problems. See, if you have to write yourself all activities and time, you might be there, might be some biasness there. But again, as I said earlier, these are different methods people are using. Of course, there are some pros and some cons of each method, but it depends what you are up to. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल ऑफ इंटरव्यू कुछ चंद क्वेश्चन किस किस्म के पूछे जाते हैं उनको देखते हैं टिपिकल क्वेश्चन आस ड्यूरिंग इंटरव्यू वट इज द जॉब बींग परफॉर्म वेरी लॉजिकल क्वेश्चन एक्चुअली क्या जॉब परफॉर्म हो रही है उसके अलावा What are the major duties of your position? This position sitting behavior. What are your duties? What tasks? That is another type of question people ask when they are doing the interview. What exactly do you do? And you can frame those questions. वट हाउ एवर यू लाइक बट द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर जॉब यह नहीं है कि आपने सिर्फ यही क्वेश्चन पूछने हैं आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स के टिपिकली इस तरह के क्वेश्चन किस तरह के वर्डिंग में किस तरह पूछे जाते हैं दट इज डिफरेंट बट मेन ऑब्जेक्टिव इज द सेम यू वांट टू गेट मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट वट फिजिकल लोकेशन डू यू वर्क एन किस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहां पे क्या स्पेशल टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है कोई ह्यूमिडिटी का मसला है क्लीन स्पेस चाहिए आपको लाइट किस तरह की चाहिए यहां पे क्या कोई प्रोटेक्शन जरूरत है वहां पे एंड सो सिमिलरली वॉट आर दी एजुकेशन एक्सपीरियंसेस स्किल्स रिक्वायर्ड ये पर्टिकुलर जॉब करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको स्किल आपने क्या पढ़ा था क्या कहा क्या कहा गया था कि आपको ये ये चाहिए और किस किस्म की ट्रेनिंग आपको दी गई थी सो दैट यू शोर आइडिया कि वॉट आर द रिक्वायरमेंट्स द पर्सन हु हैज टू परफॉर्म दिस जॉब मस्ट हैव मिनिमम दीज थिंग्स लाइक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस स्किल्स और वट एवर आप कहीं जाते हैं वो कहते हैं जी आपका तो पहले टेस्ट होगा सिक्स बाई सिक्स आई साइड होगी तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कोई कहीं क्रिटिकल जॉब के लिए जाता है तो वो कहते हैं जी अगर आपकी स्पीड टाइपिंग की इतनी है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर सकते हो कंप्यूटर यूज कर सकते हो इंटरनेट यूज कर सकते हो येस देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब किसी जगह रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप यू वॉन्ट टू जॉइन ए टीचिंग जॉब

उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए यस यूनिवर्सिटी लेवल के लिए एंट्री के लिए एटलीस्ट मास्टर हमारे सिस्टम है फर्स्ट क्लास में होनी चाहिए ओके okay. अब ये नहीं हो सकता कि इंग्लिश में मास्टर किया हुआ मैथ के लिए आप ले लें या वो मैथ पढ़ा रहा हो यस ऑफकोर्स इफ ही हैज डबल डिग्री मैथमेटिक्स में मास्टर है इंग्लिश में मास्टर दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी सो दैट इज ऑल्सो यू विल आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चन when you're doing the interview for the job analysis what activities do you participate in this is another type of question you ask during the job analysis interview and what are your responsibilities duties to whom you are responsible ज यू हुपिबल टू यू ये सारी चीजें भी आपने उस जॉब एनालिसिस के अंदर इंफॉर्मेशन लेनी है इंटरव्यू के दौरान यह क्वेश्चन इस तरह का भी पूछ सकते हैं बट डोंट कैरी ओर लाइक यदि ये क्वेश्चन आपने याद ही करने ऐसा नहीं है ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि लॉजिकली क्या चीजें किस तरह की जाती हैं नॉट नेसेसली सेम वर्डिंग विद से सेम Uh, letters, or words? no. Anybody can have, he can or she can frame their own way, different question. But again, remember the main issue is the main logic, is main philosophy is to get maximum information about that particular job. What other type of questions? What are the basic performance standards? Yes. How can you see that this performance is? स्टैंडर्ड भी तो फिक्स करने आपने वो भी आप इसी इंटरव्यू के जरिए डिटरमिन करने की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे वट आर जॉब्स फिजिकल डिमांड्स क्या इसके लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करनी पड़ती है जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई चीज चीज उठाकर यहां रखनी है तो अफकोर्स रिक्वायरमेंट विल बी कि पर्सन शुड बी फिजिकली फिट एंड हैविंग बोथ हैंड उसकी वर्किंग होनी चाहिए आपने पढ़ने का काम करना तो यस, योर आई साइड शुड बी परफेक्ट रीड करना है अगर आपने सुनने की काम है तो आपकी हियरिंग कैपिलिटीज परफेक्ट होनी चाहिए एंड सो so, आपने देखा होगा आर्मी में के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वो आपको देखते हैं कि आपके पाँव जो है फ्लैट तो नहीं है वो कब होना चाहिए भागने में दौड़ने में इसी तरह वो जब आई बिलीव आई डो नो आई एम नॉट श्योर बट वो देखते हैं कि आपके घुटने तो आपस में नहीं मिलते ताकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं मार्च करते हैं आगे तो वो कहीं आपकी टांगे आपस में नहीं टकराती तो दीज आर द फिजिकल डिमांड एक्चुअली आप देखते हैं कि आपकी और उसके अलावा क्या और इस फिजिकल डिमांड में ये भी हो सकता है कि और क्या आपको इक्विपमेंट मशीन क्या क्या रिसोर्स फिजिकली आपको चाहिए ये जॉब करने के लिए

एक्चुअल काम कर रहे हैं उनसे आप डेटा लेते हैं या सुपरवाइजर जो उनसे काम ले रहा है उसको भी पता है कि क्या क्या काम लेना है ना तो शी विल बी आल्सो अनदर सोर्स ऑफ डेटा आर दो इंफॉर्मेशन हु यस, मैनेजर पर कोर्स द डिटेल द मोर यू गो अप एट द टॉप लेवल

और उसमें देखा था कि टॉप मैनेजमेंट के पास कंसेप्चुअल कंसेप्ट ज़्यादा होती है टेक्निकल लाइन मैनेजर के पास या वर्कर के पास ज़्यादा होती है तो कोशिश ये करनी कि वहाँ से ज़्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेकिन उससे बाकी जो डेलमेंट इन्फॉर्मेशन है मुख्तलिफ लोग हैं लोगों से आप ले सकते हैं दे आर आल्सो द सोर्स ऑफ दोज इन्फॉर्मेशन सिमिलरली जॉब एनालिस कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अपनी स्पेशलाइजेशन इसी में होती है कि वो सिर्फ जॉब एनालिसिस का काम करते हैं एनालिस का, का काम करते हैं

एच आर का जॉब एनालिस्ट जो होते हैं स्पेशलाइज वर्क के लिए पीपल इट डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन साइज इफ यू आर एनालिस्ट इवन इफ यू डोंट हैव द कंप्लीट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दे हैव स्पेशलाइज जॉब एनालिस्ट जो ये स्पेसिफिक काम करते हैं कि वो जाके ये सारी एक्सरसाइज करते हैं सम टाइम यू

hire the services of the person from outside now again the decision who will do that will depend on so many different things how much time you have how much resources do you have how much the how big this task is and what are your priorities and that will give you काइंड ऑफ रिकमेंकमेंडेशन मिलेंगे आपको कि क्या करना चाहिए और बाहर से करवाते हैं उसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी है अपने किसी से करवाते हैं उसके क्योंकि इफ़ यू हैव योर ओन जॉब एनालिस आर यूर इंटरनल कंसल्टेंट बिकॉज ही आर शी इज़ ऑलरेडी द दिस्टम दे माइड है माइंड लेकिन फ़ायदा उसका ये है कि वो सिस्टम को समझते हैं डिटेल में वो खुद रहते हैं दे विल गो इन डिटेल एंड डू द जॉब एनालिसिस इफ दे आर डूइंग दिस और फिर आपके लिए इकनामिकली इट इज़ बल बट इफ यू हायर एक्सटर्नल कंसल्टेंट बायर से लेते हैं आउटसोर्स करते हैं उसका फायदा भी यह है कि वो बंदा एक्सपीरियंस होगा वो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आके काफी उसके पास तजर्बा भी बाकी का होगा तो आपको अच्छी सजेशन भी दे सकता है बट सेम टाइम इट विल भी एक्सपेंसिव और मे बी ही इज नॉट टेकिंग दैट मच इंटरेस्ट गोइंग इन डीप एंड दे जस्ट गो फॉर सर्फिस एंड डू द राइट अप एंड गिव यू As he has already given so many other organizations. So, that you have to decide as the organization, as a human resource manager, who has to perform this task. Similarly, the supervisor or man managers of that unit, at that area, at that particular uh, wo jo aapki profession, hai, they can also do their own job analysis.

आपको बड़े सुकून के साथ ये काम करना पड़ता है ये नहीं है कि आज मुझे करके चाहिए कल मैंने चेंज करना है इट इज नॉट इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड नीड लट ऑफ काइंड ऑफ पेपर वर्क एंड ऑल दो क्योंकि दिस इज अ बेस अगर बेस गलत होगी तो उससे ऊपर जितनी एक्टिविटीज आप करेंगे वो सारी जितनी मर्जी अच्छी तरीके से करें लेकिन जब बेसिस ही गलत इंफॉर्मेशन ही गलत है तो दैट विल बी

कि क्या वाकई आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज रिक्वायर्ड है क्या वाकई आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस चीज करने से कोई चेंज आएगी एंड इवन दैन पीपल गो फॉर द प्रोसेस री इंजीनियरिंग एक नई टर्म आपने सुनी कि सारा नए तरीके से प्रोसेस को री इंजीनियरिंग करना है कि नहीं ये तरीके से काम ठीक नहीं हो रहा लेट्स गो एंड चेंज इट ऑल टूगेदर एंड दैट इज वेरी टेक्निकल डिसीजन वेरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डिसाइड इफ दे हैव टू गो फॉर द प्रोसेस इंजीनियरिंग उसके लिए यू नीड ए काइंड ऑफ वेरी लेट द एक्सरसाइज डिटेल वेरी माइन्यूट डिटेल इंफॉर्मेशन एंड देन बेंच मार्क विद अदर पीपल एंड लुक सी द योर ओन और जिसे स्वॉड एनालिसिस करते हैं इसमें भी आपको स्वॉर्ड एनालिसिस करके देखना है कि ओके वॉट इज देंथ वी हैव वॉट इज दट आर द वीकनेसेज वेयर वी हैव दी अपॉर्चुनिटी इन वेयर इज द थ्रेट उस बेस पर रह के फिर आपने ये सारा प्रोसेसर इंजीनियरिंग का प्रोसेस करना है और उसके बेस पर फिर आपने अपनी जॉब एनालिसिस को उसके लिए यूज़ करना है बट एनी वे वी आर टाकिंग हेयर द प्रॉब्लम नॉट प्रॉब्लम बेसिकलीज एम कंसर्नस अबाउट जॉब एनालिसिस इट इज़ लेंथी टाइम कंज्यूमिंग एंड माइड बी बाइसनेस दे आर इन्वाल्व और याद रखी लेकिन एक बात कि ये बुनियाद है आपकी सब एच आर एक्टिविटीज़ की इस पर थोड़ा सा टाइम लग भी जाए तो नो प्रॉब्लम सो वी हैव ऑलरेडी कवर दिस पार्ट वट इज वट आर द आउटकम्स ऑफ जॉब एनालिसिस जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब वैल्युएशन लेट्स सी ये क्या चीजें हैं हमने इसको डिफाइन ऑलरेडी किया इन सबको लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन के साथ मेक इट बेटर अंडरस्टूड जॉब डिस्क्रिप्शन क्या चीज है नाउ इट इज बेस्ड ऑन यूर दैट एक्टिविटीज एक्सरसाइज ऑफ जॉब एनालिस नाउ यू विल ड्राफ्ट जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें अंदर जॉब टाइटल होता है कि ये इसको क्या कहेंगे उसकी जॉब आइडेंटिफाई की जाती है क्या क्या उसके असेंशियल फंक्शंस हैं और उसी में जॉब स्पेसिफिकेशन भी साथ आ जाती है कई दफा सेपरेट भी होती है लेकिन अमूमन साथ ही उसका पार्ट बन जाती है जो यह बताती है कि उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं लेट्स डिटेल आइटम्स इंक्लूडेड इन जॉब रिक्वायरमेंट आर मेजर ड्यूटी परफॉर्म फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब जो ये काम करेगा उसको ये ये काम करने पड़ेंगे आप घर में चौकीदार भी रखते हैं उसको ही बताते हैं कि आपने ये ड्यूटी करनी है कि रात को ये बाहर की लाइटें जलानी है आपने दरवाजों को चेक करना है और ये इस तरह ये ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है और सुबह के वक्त लाइटें बंद करनी है एंड सो ऑन सो यू हैव टू डिसाइड अबाउट द ड्यूटीज उसके बाद

एट द एंड ऑफ डे यूल फ्राम हिम तो एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं आप वो भी जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा होता है वर्किंग कंडीशन एंड पॉसिबल है उसके साथ इन्वॉल्व जो है वो भी आपको बताने पड़ते हैं लिखे होते हैं कि या इस तरह की कंडीशन के अंदर काम करना है ये ये चीज मिलेगी होनी चाहिए इसके लिए एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्मिंग्स

In the job description. so, job description mein phir kya hua? mainly it is focused on the job. where you have the written statements, what is to be done, how you have to do it, why you have to do it, and when you will be doing that. and that includes job content, the environment, and condition of the employment. के अंदर आता है इसकी जरा फॉर्मेट एक आपको दिखाता हूं ऊपर जाब टाइटल दिया होगा आपने अपने टेक्स में देखें तो आपके पास मुख्तलिफ एग्जाम्पल होंगे जॉब डिस्क्रिप्शन के मैंने भी कोशिश की है कि एक दो आपके साथ नोट्स के साथ हों मत जॉब टाइटल होगा ड्यूटीज बताई जाएंगी उसमें कोई खास करेक्टरिस्टिक्स स्पेशल डिस्टिंग्विश करेक्टरिस्टिक्स चाहिए वो भी बताया होगा कि ये खास रिक्वायरमेंट चाहिए अथॉरिटी जैसे मैंने आपसे कहा कि टू होम यू आर रिस्पांसिबल, आपके ऊपर कौन बास है आपके नीचे कौन कौन होंगे कितने लोग आपको असिस्ट करेंगे दैट परफॉर्म पर्टिकुलर जॉब दैट माइट बी इंक्लूडेड दियर एंड अगेन इट डिपेंड फ्राम ऑर्गनाइशन हाउ मच इन्फॉर्मेशन दे वॉन्ट टू इंक्लूड इन जॉब डिस्क्रिप्शन बट दिस इज द स्टैंडर्ड टाइप ऑफ थिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच यू शुड भी अकाउंट अकाउंटेबल आपसे पूछा जा सकता है कि यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपने जो परफॉर्मेंस में क्या किया एंड जॉब स्पेसिफिकेशन ऑफकोर्स पार्ट ऑफ दैट सो वट इ जॉब स्पेसिफिकेशन बाय द वे मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशन स्किल चाहिए जो एक पर्टिकुलर इन जॉब रिसिप्शन को परफॉर्म करने के लिए जो मिनिमम एक्सेप्टेबल एबिलिटी स्किल नॉलेज चाहिए उसको हम आप डिस्क्रिप्शन कहते हैं वो क्या है एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं एक्सपीरियंसिस भी पूछा जाता है कि आप एटलीस्ट इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पार्टिकुलर जॉब समाइम पर्सनैलिटी ट्रेड्स ये एटलीस्ट इतनी हाइट होनी चाहिए गुड लुकिंग होना चाहिए इफ इट इज ए पब्लिक रिलेशन जॉब ये सारी चीजें भी उसमें शामिल होती हैं Physical abilities जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया आपको अगर ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है तो ये भी साथ शामिल होगी अब वो क्या है वर्थ ऑफ जॉब जिसमें आपने इस्टेब्लिश करनी है उसकी कंपेयर करने के लिए फॉर वॉट कंपनसेशन और रिलेटिव वैल्यू क्या उसको कॉम्पनसेट करना है ये ये भी बेस ऑन जॉब एवेल्यूशन ही आपको मिलती है और फिर इसको आप कंपेटिटिव एनालिसिस यूज करने के लिए भी देखते हैं बाकी जो जॉब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है दैट इज एवेल्यूएशन आई थिंक अनफ फॉर टूडे वॉट यू थिंक बट बिफोर वी फिनिश वी हैव टू समराइज टूडेज लेक्चर एंड वी हैव टू सी वॉट वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट टाइम सो लेट समराइज इट हमने मेन एच आर का गोल देखा कि उनका गोल क्या है टू क्रिएट द मैच बिटवीन पर्सन एंड ए जॉब और वो पर्सन और जॉब जॉब के अंदर जो मैच क्रिएट होता है वो उससे अच्छा जॉब अगर मैच क्रिएट हो गया तो यू कैन हैव ए बेटर आउटकम यू कैन गेट द बेटर परफॉर्मेंस एंड ऑफकोर्स दैटिस्फेक्शन ऑफ द पर्सन ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी एज ए होल फिर हमने जॉब एनालिसिस मैथड देखे मुख्तलिफ़ क्वेश्चनियर था इंटरव्यू था एंड सो ऑन उनको प्रोज ऑन कॉन भी डिस्कस किए और एंड पे फिर हमने इसमें ये सारे पाँच मैथड्स को हमने डिस्कस किया और उनके जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रोज एंड कॉन भी देखे और फिर हमने जो आउटकम थी जॉब स्पेसिफिकेश जॉब एनालिसिस की उसको देखा कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है जाब स्पेसिफिकेशन क्या होती है और जॉब वैल्युएशन क्या होती है सो नाउ वूर ready ready for what to start our next HR activity which is recruitment yes that will be a very interesting subject so I hope today's lecture was interesting for you interesting in the sense that it has given you enough information and in an easy way to understand. और फिर इसी बेस पे अब हम आगे चलते चलते थोड़े से और स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को करेंगे लेकिन द सेम थाट वर्क हार्ड बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड यू विल मेक ए डिफरेंस दिस थाट थैंक यू वेरी मच अलैकुम।